Hey guys, assalamu alaikum, good morning. मैं हूँ आपका अपना अरीज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग. लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. तो गाइज आज है वेडनेसडे, आज एल वॉट का कॉम्पिटिशन है. आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड. तो हम लोग जा रहे हैं अभी एल वॉट के कॉम्पिटिशन के लिए. फिलहाल स्कूल में जाएंगे, पहले एल वी एम में देखेंगे वहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिस पेंडिंग है एंड थोड़ा बहुत एक बच्चों को प्रैक्टिस करा के हम लोग जो है वहाँ से निकल जाएंगे एंड सीधा हम लोग जाएंगे वहाँ से स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल जहाँ पे एक्चुअल कॉम्पिटिशन है. तो गाइज देखते क्या होता है, लेट्स रॉक एंड रोल. फिंगर्स क्रॉस. बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हर किसी ने अपना 110% दिया हुआ है, राइट फ्रॉम द टीचर्स टिल द स्टूडेंट्स, हम लोग ने खुद ने. तो उम्मीद करते हैं कि ये मेहनत रंग लाए और देखते हैं आज क्या क्या होता है. तो चलिए गाइज सीधा मैं आपको मिलता हूँ अभी प्रैक्टिस सेशन के बाद. These are all the schools. The most difficult and amazing part. छुड़ाने के लिए मेजर को लेके आ गए. द नाउ पिकिंग अप द चिट्स, जिसके अंदर नंबर होगा इनका, कौन से नंबर पर कौन सा साइड नंबर, पेज नंबर, कौन से नंबर पर कौन सा बैंड चाहे. बाप रे बाप गाइस, बच्चों ने तो आग लगा डाली. मुझे नहीं लगता इनके लेवल का कोई भी यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा, बट लेट्स सी अभी क्या होता है. अभी मैं ज़रा बाहर आया हूँ चाय पीने के लिए, जिसके बाद चाय वगैरह कुछ पी नहीं थी, ऑलरेडी हम लोग टायर्ड हैं. तो ठीक है, मज़ा आ गया. लोग मैंने विद्या मंदिर एज रॉक डेट, जन्मों जन्मों तक याद रहेगा स्कूल में कि ऐसा परफॉर्मेंस हुआ था. ठीक है चलो जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है. अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस देखना है पूरा की पूरा वीडियो, तो आप लोग कमेंट करना पड़ेगा कि यस सर हम लोग को एलवीएम का वीडियो देखना है. तो लेट्स सी क्या होता है. करंट सॉल्व फाइट करते करते होता है ना तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर करके आप लोग यहाँ पर आए हो, आपने परफॉर्मेंस दिया, यही आप लोग जीत गए हो. वो मेडल मिले नंबर मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं. मेरी नज़र में आप सब फर्स्ट नंबर से लेके तो नाइन्थ नंबर तक सब विनर है. स्माइल, वीडियो निकाल रहा. सो हे गाइस वेलकम बैक. तो घर पे आकर खाना वगैरह खाकर मैं गया था सो. अभी आँख खुली है 15-20 मिनट में ही की नींद लग गई, लेकिन बहुत अच्छी नींद मिली, एकदम रिफ्रेश हो गया हूँ. अभी बज रहे 3:15 बजे की प्रैक्टिस थी, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ हर बार की तरह. तो अभी मैं भाग रहा हूँ फटाफट 3 बजे की प्रैक्टिस के लिए. ये फाइनल प्रैक्टिसेस होगी गुरु गोविंद एंड अंजुमन इस्लाम की, एंड कल इनका कॉम्पिटिशन है एस वार्ड में, तो कल का भी प्रेपरेशन करना है. सो गाइज यही पूरा रूटीन है. तब जाते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस लेते हैं, शाम को वापस आपसे मुलाकात करते हैं अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग करने वाले होंगे तो. तो फिर चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों को. समझ रहे हो, मैं अक्सर यही बोलता हूँ, देखो जीते तो तुम लोग की वजह से और हारे तो हमारे, तो टेंशन लेने का ही है, तुम्हारे पर कोई ब्लेम डालेगा ही नहीं. जीत गए तो यू गाइस डिड इट, हार गए तो हम लोग नहीं. Thank you.
अभी बज रहे हैं कुछ रात के 12:30-1 और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आया हूँ मेजेस्टिक लेने के लिए, एक सीट के लिए। तो और कल सुबह 7:30 बजे फिर छुट्टी है, घर पे जाते जाते सोते सोते बच जाएगा 2, और सुबह 5:30-6 बजे फजर तक उठना पड़ेगा। और फिर पूरा अभी जाते हैं मेजेस्टिक लेते हैं और फिर जाके सो जाएंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या और कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान आउट। तो गाइस मेजेस्टिक तो ले लिया है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको रख के कैसे लेके जाऊँ, ये एक अलग डेयरडेविल वाला सीन करना पड़ेगा। मेजेस्टिक को ऐसा रख के लेके जाना पड़ेगा, आई होप अगर ये जस्टिस करे तो फाइन, ये भी कर लेते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका अपना अजीज एंड लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। तो गाइज गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। अभी ऐसा है कि आज है टी वार्ड और एस वार्ड का कॉम्पिटिशन। अनफॉर्चुनेटली मैं एस वार्ड में आज नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मुझे टी वार्ड में रहना है मेरे स्कूल के साथ एंड मेरा एक और प्रैक्टिस भी है, सो आई डोंट थिंक आई बी एबल टू गो एंड सी और मे बी गेट द वीडियोज ऑफ एस वार्ड। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अमित सर एंड अवतार सर वहीं पर है, तो वो दोनों हैंडल कर लेंगे एंड मैं जा रहा हूँ अभी टी वार्ड के लिए। तो टी वार्ड में जाते हैं आज। उम्मीद तो नहीं थी ज़्यादा बारिश होने की, बट लुक एट द वेदर, ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें फुल घंघोर काले बादल आ चुके हैं। तो अब बस अपना रोड क्रॉस करके पहुँच रहा हूँ मैं सेंट पायल्स कॉम्पिटिशन एंड अमित सर और अवतार सर ये दोनों पहुँच रहे हैं विकास हाई स्कूल जहाँ पे एस वार्ड कॉम्पिटिशन है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, स्टे ट्यून्ड और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राजभाषा अमर यह हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है। तो गाइज एक्चुअली ऐसा है कि अभी टी वर्ड कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया, तो मैं जा रहा हूँ एस वार्ड में क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ का कॉम्पिटिशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, अभी जाते हैं एस वार्ड। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत भागम दौड़ी वाला दिन था। सारी स्कूल, स्पेसिफिकली ऑक्सफर्ड स्कूल ने तो परफॉर्मेंस दिया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। सेंट पायल्स ने भी बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया, नेशनल ने भी बहुत वंडरफुल परफॉर्मेंस दिया, सारी स्कूलों ने अपना 110% दिया है। अब देखते हैं बाकी जो स्कूल्स हैं वो क्या करती है। अब मैं जा रहा हूँ टी वार्ड में क्योंकि टी वार्ड थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो आई गेस मेरी स्कूल से कोई एक परफॉर्मेंस तो मैं देख लूँगा, या तो अंजुमन का या तो गुरु गोविंद का। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप फॉर दैट। सूचना आहे की तुम्ही तुमचा जो काही रिझल्ट आहे तो शाळेच्या पत्राने आमच्याकडे पाठवा, आम्ही ग्रुपच्या काय तुमचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे डिपार्टमेंटचा परवानगी दिली त्याप्रमाणे आम्ही करतो। तुम्हाला काही शंका असेल ना तर तुम्ही डिपार्टमेंटला कळवा आणि त्यासाठी आपण मी स्वतः पाहिजे तो वेळ काढेन तुमच्या बरोबर येईन। चलो थँक्यू। वाइंडिंग अप नाउ। करो करो सर, वाह वाह वाह, ये इसलिए तो टैलेंटेड बोलते हम लोग तुमको। ओ हो, किस में आया था? बुक बैलेंस क्या बात है, चमचा गुटी
सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो कल कंपटीशन हो चुका था एंड आज जो है कंपटीशन का रिजल्ट आ गया। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस वार्ड में हमने परफॉर्म किया, एस वार्ड को छोड़ करके मैंने तीन ही वार्ड में परफॉर्म किया, एस वार्ड में भी प्राइज़ मिला बट हम लोग फर्स्ट थ्री रैंक में नहीं उतर पाए। लेकिन टी वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की तीनों स्कूल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई वो हमारी ही थी। सेम गोज फॉर एल वार्ड में एक ही स्कूल था वो फर्स्ट आया एंड एस वार्ड में जो थे हम लोग थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आए, यानी कॉन्सोलेशन प्राइज नंबर वन एंड कॉन्सोलेशन प्राइज नंबर टू हमें दे दिया गया। सबसे अच्छी बात गाइज ये लगी है मुझको कि इस साल बहुत सारी स्कूल्स टर्न अप हुई है बैंड कंपटीशन को एज एन एक्चुअल स्पोर्ट्स लेने की, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। इस साल हर एक वार्ड में कम से कम 10-10, 12-12 स्कूल्स ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब ने बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले कंपटीशन से जो एल वार्ड में कंपटीशन हुआ था, जो स्वामी ये लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में जो लोकमान्य तिलक जो हमारी स्कूल थी उसने परफॉर्म किया था, जिसका डेफिनेटली वीडियो आने वाले एक दिन में मेरे चैनल पे आ जाएगा। एंड अगेन जितनी भी मेरी स्कूल ने परफॉर्म किया था, मैं हालांकि सबका वीडियोज़ नहीं डाल पाऊँगा, मैं बस गिने चुने कुछ स्कूल्स का वीडियोज़ डालूँगा। तो यस गाइस, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था एंड एल वार्ड में हम लोग आए हैं फर्स्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अवतार सर, अमित सर एंड द एंटायर टीम ऑफ लोकमान्य तिलक, जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़े डरे हुए थे कि सर कुछ होगा कि नहीं होगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल्स जो है इतना इंटरेस्ट लेती है बैंड के लिए। मैंने बहुत कम स्कूल्स को ऐसा देखा है जो इतना इंटरेस्टिंगली बैंड के लिए यू नो पुश फॉरवर्ड करती है। वेरी गुड। देन हम लोग बात करते हैं गाइज टी वार्ड में और एस वार्ड में। तो हुआ ये था कि टी वार्ड में मुझे मॉर्निंग को जाना पड़ गया था, टी वार्ड में हम लोग पहुँचे, टी वार्ड ऑन टाइम सेंट पायस हाई स्कूल में स्टार्ट हो गया था। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हुए हैं और वहाँ पर सेंट पायस जो है वो फर्स्ट आया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सेंट पायस की टीम, प्रदीप सर एंड फादर को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड पूरी टीचर्स टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे ही एल वार्ड में भी मनीषा मैम एंड जो उनके प्रिंसिपल हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत एफर्ट दिया, हालांकि हम बहुत लेट होते थे, कभी कभी जल्दी पहुंचते थे, बहुत 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 सपोर्ट किया इस केस में एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। टी वार्ड में सेकंड जो स्कूल आई है वो ऑक्सफर्ड है एंड ऑक्सफर्ड का परफॉर्मेंस वॉज आउट ऑफ द मार्क। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था ऑक्सफर्ड हाई स्कूल का। सो कुडोज टू ऑल द टीम, प्रीति मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सारे बच्चे, जो मेजर था वो भी बहुत तगड़ा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन हम लोग आते हैं जो थर्ड प्राइज मिला मनीषा मैम, एनईएस हाई स्कूल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस आल्सो। एक्चुअली एनईएस हाई स्कूल ने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था पिछले 3-4 साल से, दे वर फर्स्ट एंड दिस इज हैपेंस, दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ आई विल से, यू नो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी कॉम्पिटिशन। ऐसे ही होता है, इससे पहले गुरु नानक ने टी वार्ड में कंटिन्यूसली 4-5 साल और जोनल में कंटिन्यूसली 4-5 साल फर्स्ट 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 थी। देन एन ई एस ने वो चीज़ शुरू की, एन ई एस वॉज फर्स्ट अगेन एंड देन लास्ट ईयर से एक नई स्कूल ने जिसने यू नो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज दिए एंड देन वो स्कूल आई। तो हम लोग अभी लास्ट ईयर से सेकेंड किए और आते हम लोग नेक्स्ट एस वार्ड में। तो एस वार्ड में ऐसा हो गया कि एक स्कूल है जो हमारी विक्रोली की स्कूल है, उन्होंने कुछ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे। अच्छा, मैंने थर्ड प्राइज़ बता दिया, हाँ मैंने थर्ड प्राइज़ बता दिया। उन्होंने कुछ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इनकलकेट किए जो बहुत सारी स्कूल्स जिससे थोड़ा सा डिनाई कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स मत लेकर आओ। हालांकि इस बात की इन्फॉर्मेशन मुझे एक डेढ़ हफ्ता पहले ही मालूम पड़ गई थी कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, बट हमने कहा नहीं, हम लोग कॉम्पिटिशन के दिन देखते हैं क्या होता है। जो इस वार्ड में मेरी स्कूल ने परफॉर्म किया वो थी अंजुमन खैरुल इस्लाम विक्रोली एंड गुरु गोबिंद हाई स्कूल विक्रोली ग्रुप नंबर 7, एंड दोनों ने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया। अच्छा ये लगा कि हम लोगों ने तीनों वार्ड में परफॉर्म किया और तीनों के तीनों वार्ड में गाइस हम लोगों को प्राइज मिला है। गाइस यस, तो एक स्कूल थी, ठीक है चलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो स्कूल का नाम है डॉन बॉस्को, जिसने इस साल एक कुछ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए विच आर रियली रियली वेरी मच अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो है सॉसाफोन और ट्रम्पेट। हालांकि जो सर्कुलर आया था स्कूल्स का, वो सर्कुलर में साफ साफ लिखा था कि आप ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कीजिए, एंड इसका रिबटल जवाब ये आया था वो स्कूल की तरफ से कि लिखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कीजिए, ये भी तो नहीं लिखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्होंने लेकर आए वो यूज़ नहीं कर सकते। हैट्स ऑफ, व्हाट एन आंसर।
मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ये आंसर की, जो सही भी है, बहुत हद तक सही है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही था गाइस कि हर स्कूल उतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद सकते हैं। हर स्कूल में मैं अगर आपसे बोलूँ तो कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो हमें सैलरी भी प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं, जो बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म में सिर्फ ऊपर एक्सेसरीज लगा कर परफॉर्म करवाती है, ऐसी स्कूल्स भी है। तो उन स्कूल का क्या होगा अगर हम लोग वार्ड लेवल में भी ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे। ट्रम्पेट सिखाने के लिए, सॉक्सोफोन सिखाने के लिए एक अलग अलग टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल? जो छोटी स्कूल्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली 110% नहीं कर पाएंगे। तो यस, आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हो या आप स्टेट लेवल पर जाते हो या आप जब नेशनल लेवल पर जाते हो तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शायद जहाँ तक हमको कन्वर्सेशन मुझे याद है तो उन्होंने कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये हम लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन में निरीक्षण के टाइम पर बोल दिया गया कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ब्यूगल लाया है। यस, ये होता है, ऐसा बहुत जगह पर होता है। लेकिन वार्ड लेवल में जब आपको मालूम है कि कोई दूसरी स्कूल वो इस्तेमाल नहीं कर रही, तो ऐसा हम लोग को लग रहा था कि शायद वो इस्तेमाल करना गलत था। बट यस, उसके बहुत बहुत ज़बरदस्त आंसर था स्कूल के पास एंड वो लोग प्रिपेयर थे विद द नोटिस। सो यस, जब डिपार्टमेंट को पता है तो हम लोग उसके आगे नहीं जा सकते। बस ये है कि छोटी स्कूल्स क्या करेगी, जो स्कूल्स नहीं खरीद सकती, जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भाड़े पर थोड़ी लेंगे। बच्चों को सिखाना भी तो है, वो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। जितने भी टीचर्स देख रहे हैं ये, उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि ब्यूगल के साथ भी आप परफॉर्म करते तो आप फर्स्ट ही आते हैं, ये हर किसी को मालूम है। एंड यस, डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज तो विनर थे ही, मुझे पता था। वो हम लोग को स्कूल का पहला टैप देख के मालूम पड़ जाता है कि कौन सी स्कूल किस लेवल का परफॉर्मेंस है। सो यस, डेफिनेटली मेजर बहुत तगड़ा था। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि वहाँ पर एस वर्ड की स्कूल ने भी परफॉर्म किया था, हमारी भी दो स्कूल थी, अंजुमन इस्लाम एंड गुरु गोविंद स्कूल। सो कूडोज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंजुमन इस्लाम की गर्ल्स, पूरा गर्ल्स स्क्वाड था जिन्होंने धमाल मचा दिया। मेरे को तो ये सुनने में आया था कि सिर्फ एकलौती वो स्कूल थी जिनके लिए ताली बजी थी एंड देन देयर वाज जॉन बॉस्को, दो स्कूलों के लिए ताली बजी थी। एंड वी वर वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की गाइस। लास्ट ईयर इनफैक्ट यही स्कूल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हंसा था कि तुमने क्या लेकर आकर खड़ा कर दिया। एंड इस साल वो स्कूल फोर्थ आई है, बहुत बड़ी बड़ी नामचीन स्कूलों को पीछे छोड़कर फोर्थ आना, इट्स अ बिग टास्क। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एकेआई गर्ल्स। फिर हम लोग बात करते हैं गुरु गोविंद हाई स्कूल की। तो यस, हम लोगों ने लास्ट ईयर वहाँ पे भी बैंड शुरू किया था, द फर्स्ट कॉम्पिटिशन वी वेंट आरएसबी वी केम सेकेंड। उसमें भी यही हो गया था कि जो फर्स्ट स्कूल आई थी वो बैक पाइपर प्ले कर रही थी। हर स्कूल वो बैक पाइपर अफोर्ड नहीं कर सकती है। 18-18, 16-16 हज़ार हाई क्वालिटी 25-25 हज़ार के बैक पाइपर्स आते हैं। बैक पाइपर सिखाने के लिए एक अलग टीचर रखो। यस, जो बड़ी स्कूल है, जो नामचीन स्कूल है, जो थोड़ी रिच स्कूल है, वो अफोर्ड कर सकती है। लेकिन जो छोटी छोटी स्कूल्स है वो शायद बैक पाइपर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाए। तो वहाँ पे हम लोग को सेकंड प्राइज दे दिया गया। एंड फिर इस साल और बाकायदा जो 26 जनवरी की रैली थी उसमें बच्चों ने परफॉर्म भी किया था। एंड इस साल अगेन हमारी वो स्कूल फिफ्थ आई है, यानी सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज़ हमें दिया गया। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी गाइस कि हम लोग हमारी स्कूल को नोटिस किया गया। गुरु गोविंद ने आफ्टर 20 ईयर्स, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आफ्टर 20 ईयर्स गुरु गोविंद स्कूल परफॉर्म्ड एंड दे केम फिफ्थ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अंजुमन परफॉर्म सेकेंड नाइन एंड दे मेड देयर नेम। सो येस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, मे बी नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, डेफिनेटली वन ऑफ अदर डे कभी ना कभी तो रिजल्ट काम आएंगे। येस, तो ये पूरा जो हमारा व्लॉग था कॉम्पिटिशन का, ये पूरा ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बहुत मज़ा आया गाइस, एंड सारी टीचर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने बहुत हिम्मत की, एंड यू गाइस हैव प्रूव्ड कि अगर हम लोग मेहनत करें, हार्डवर्क करें, डेडिकेशन करें, सो वी कैन अचीव एनीथिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ईच एंड एवरी वन। इसी के साथ हम लोग ब्लॉग को करते हैं एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। येस, मैं 2-3-4-5 स्कूल के वीडियोज डेफिनेटली मेरे चैनल पर डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वो ब्लॉग्स को देखेंगे और उनको भी उतना ही सराहेंगे, उतना ही प्यार, उतनी मोहब्बत देंगे आप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइज, एंड टिल देन आई वुड रियली लव टू सी मोर एंड मोर स्कूल्स कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन बैंड कॉम्पिटिशन एंड क्रिएटिंग एंड मेकिंग दिस बैंड अ स्पोर्ट अगेन, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बना सकते हैं हम लोग मिल करके, चाह करके।
सो येस, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मेरा नया ब्लॉग आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन डू व्हाटएवर यू गाइस वांट टू डू एंड हैव अ ब्लास्ट।